उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और अभी हम उपस्थित हैं वाराणसी यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। यहाँ हम कुछ लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है, जनता की राय इस चुनाव को लेकर। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का दौर चल रहा है, बनारस में भी आप देख ही रहे हैं चुनाव का पूरा दौर है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देना चाहेंगे और किस क्या है आपका? देखिए भैया, हमारा वोट तो विकास को है, ठीक है, कि चुनाव जो भी जीते बनारस का विकास हो, क्योंकि हालांकि कुछ सालों से मतलब NDA की सरकार में बनारस का विकास तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे ऐसा लग मतलब जनता थका हुआ महसूस करती है। कुछ इलाकों में आप चले जाइए, कुछ जगहों पे आप चले जाइए तो बनारस की जनता अपने आप को थका हुआ महसूस करती है कि रोड पे काम हुआ है, अंदर गली में पैचिंग वर्क नहीं हुआ है, तो मतलब जो भी विकास का कार्य हुआ ऊपरी तौर पे हुआ है, केवल ऊपर ऊपर से। अब अंदर आप गली में आप अंदर जाते हैं, गंदगी रहती है, कूड़ा उठाने वाले नहीं आते हैं, ये तो बनारस की जो भी मेयर बने ये है कि विकास करे और क्या। तो किसे आप मेयर के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार? वैसे तो हमारा सभी पार्टी एक तरीके से एक समान है, लेकिन हमारा वोट BJP कमल को जाएगा, क्योंकि मेयर से तो वैसे BJP ही जीत रही है, लेकिन हमारा वोट देखिए मोदी जी को और योगी जी के नेतृत्व को देख के ही हमारा वोट कमल को जाएगा। कैसे देखते हैं BJP के विकास कार्यों को? विकास कार्यों को अब आप खुद ही देख रहे हैं बनारस में, हालांकि जो विकास हुए इतने दिनों में ये नॉर्मल बात तो थी नहीं। हालांकि सरकारें आईं, सरकारें गईं, कितनी सरकारें आईं, सपा आईं, बसपा आईं, लेकिन जो बनारस का विकास इन्होंने किया वो अन्य सरकारों ने नहीं कर पाए। जो विश्वनाथ कॉरिडोर को रूप दे दिए मोदी जी, वो ये सरकारें नहीं दे पाई। और अन्य रूप से भी देखिए, पहले तो माफिया राज ख़त्म कर दिया उन्होंने, सबसे बड़ा मुद्दा तो माफिया राज था। अतिक जैसे गुंडों को उन्होंने ख़त्म करवा दिया, जेल में पहुंचवा दिया मुक्ता जैसे लोगों को, अब क्या चाहिए? तो कैसे देखते हैं अतिक की मृत्यु को, आप कैसे देखते हैं, ये किसने कराया? आपने कहा कि ये BJP ने कराया। BJP नहीं, मतलब एक तरीके से देखिए जाहिर सी बात है, बोया पेड़ नीम का तो आम कहाँ से होए, तो यही वही कहानी अतिक के साथ हुआ है। तो वो जो बोया था उसके सामने आ गया उसने। तो इस पूरे प्रकरण में आप BJP को किस रूप में देखना चाह, मतलब कैसे देख रहे हैं कि वो उन्होंने ही ऐसे उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो चुकी? अब जाहिर सी बात है, अगर BJP की गवर्नमेंट नहीं रहती रही तो वो खुले आम हत्या मर्डर एक्सटॉर्शन करके खुले आम घूमता था, सलाखों के पीछे भी नहीं पहुँच पाता रहा, सलाखों के पीछे पहुँचे भी तो अपना रुतबा दबदबा कायम करता रहा। हालांकि BJP सरकार में उसको जमोदीर कर दिया, एकदम नेस्ताबूत कर दिए, अब क्या चाहिए? आखिर में उनके तीनों लड़के जो थे जेल में बंद है आज, और दो तो, एक तो चला ही गया, अब दो जेल में बंद है और दो बाल संरक्षण गृह में हैं। तो एक तरीके से हम समझते हैं कि BJP ने इन लोगों के साथ बहुत सही किया, मतलब इन लोगों पर जो लगाम कसे हैं सही किया।